सो गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। एंड आप लोग सोच रहे हो अभी मैं कहाँ पर हूँ, तो अभी मैं लंदन में हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, एलसी हॉस्टल की थी, वो जाके चेकआउट करो। और मैं वेकेशंस के लिए लंदन में आई हुई हूँ फॉर 7 डेज, तो आप लोगों को 7 दिन साथ में रहना है, ठीक है। और अभी मैं जहाँ पर हूँ वो एक रूम है, और व्यू मैं आपको रूम का नहीं देने वाली क्योंकि वो मैस अप हुआ पड़ा है। तो लेट मी जस्ट शो यू द व्यू फ्रॉम माय रूम। सो दिस इज बिल्डिंग दिख रही है। और यहाँ पे पता है लंदन में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि यार रात ही नहीं होती यहाँ पे, मतलब अराउंड 11 बजे तक आपकी ये पूरा जो इवनिंग लुक होता है ना और आफ्टरनून लुक वही रहता है 11 बजे तक। सो आई गाइस प्रीटी मच एनर्जी चाहिए भाई यहाँ पे काम करने के लिए भी। और सबसे पहली बात आती है कि अब मैं आप लोगों को फ्रॉम दिल्ली टू लंदन एक स्नीक पीक दिखा रही हूँ, हैव अ लुक। कि मैंने वहाँ पे VIP लाउंज भी मैं गई थी, वो भी एक बार ही जरा देखो। तो वो दिन आ चुका है, आफ्टर 5 ईयर्स आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, और वो भी लंदन। मैंने स्ट्रेटनिंग कर ली है, मेरे दोनों लगेजेस पैक्ड है, और अगर मैं बात करूँ तो मेरा पासपोर्ट कवर बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लगेजेस सबमिट करने जा रहे हैं, मेरे 2 ही लगेजेस है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरे को IGI एयरपोर्ट बहुत सुंदर लगता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइंड है और बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे सारे बढ़िया स्टोर्स है। और अब मैं जो जहाँ पे जा रही हूँ आप लोग शायद गेस कर सकते हो, VIP लाउंज। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो डेबिट कार्ड मत भूलना, डेबिट कार्ड से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एयर इंडिया का VIP लाउंज था, मैं दूसरे VIP लाउंज जा रही हूँ, और मेरे को जो चार्ज पड़ा था दैट वॉज जस्ट 2 रुपीज़ फॉर द बूफे, एंड आई लव दैट बूफे। मतलब मैंने तो पूरा इंजॉय करा, फ्रूट्स लिए, सब कुछ खाया। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊँगी एक ओवरव्यू, ये भी एयर इंडिया का ही VIP लाउंज है। तो आपके सारे VIP लाउंज एस्केलेटर से आप ऊपर आते हो तो सारे इसी रो में आपको VIP लाउंज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाउंज में, जो कि आपके डेबिट कार्ड से चल जाता है, मैं एक बारी दिखाती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे सामने अपना कार्ड स्वाइप करते हो, और उसके बाद दिस इज़ द एंट्री एरिया, फिर डायरेक्टली आपको बूफे दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रॉपर सिटिंग ऐसी है VIP लाउंज में। अब मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ और आगे। तो सबसे पहले तो मैंने कॉफ़ी ले ली है, आई एम अ कॉफ़ी लवर। अगर आप लोग भी कॉफ़ी लवर हो कमेंट करो। और यहाँ पे सारी ब्रेड वाला एरिया है, दिस इज़ ऑल द ब्रेड एरिया। उसके बाद आपके मफिन्स आते हैं यहाँ पे, और राइट साइड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे को छोले कुलचे मिले थे। तो छोले कुलचे लवर्स कमेंट डाउन बिलो। तो यहाँ पे उपमा भी मिल रहा था और मसाला डोसा भी मिल रहा था, फ्रेश मसाला डोसा। आई जस्ट लव साउथ इंडियन फूड। उसके बाद मैं बात करूँ तो नॉन वेजिटेरियन फूड भी था, एग्स भी थे, और राइट में कॉफ़ी सेक्शन है। मेरे को कॉफ़ी सेक्शन से तो मतलब आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड। तो मैंने एक और बारी कॉफ़ी पी थी जाते हुए। अब ये पूरा ओवरव्यू एक बारी देखो ये। तो हेयर इज़ माई लुक फॉर टुडे, और मैंने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने थे, क्रॉप टॉप एंड जीन्स एंड देन योर शूज़। स्लिंग बैग लिया था सिंपल सा, मेरे को बिल्कुल कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग लोअर पहन सकते हो, इवन कि आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल होके जा सकते हो। तो ये मेरा तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग विद वर्जिन एटलांटिक, और ये डायरेक्ट हीथरो एयरपोर्ट पे पहुंचाएगी। मेरे को एक तो ऑब्सेशन है कि मैं ऐसे एयरप्लेन्स को देखने में जो मज़ा आता है, आई जस्ट लव इट। तो डिपार्चर टाइम था 11:30 AM एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये कतार एयरलाइंस है, मेरा इस एयरलाइंस में भी ट्रैवल करने का बहुत मन है। इवन टर्किश एयरलाइंस, कतार एयरलाइंस, सारी अलग अलग ट्रैवल करने का बहुत मन है। तो हेयर इज़ माई बोर्डिंग पास, मेरे को विंडो सीट मिली है। अगर आप लोगों को भी विंडो सीट पसंद है रैदर देन आइल सीट तो कमेंट डाउन करो। मैंने तो स्पेशली जाके बोला था बोर्डिंग के टाइम पे, प्लीज़ मेरे को विंडो सीट अगर अलॉट हो सकती है तो दे दो। तो अब हम जा रहे हैं टेक ऑफ करने, सो हेयर वी गो। मेरे को एक तो ये प्रॉपर व्यू बहुत पसंद आता है टेक ऑफ के टाइम पे, और बहुत लोगों को डर भी लगता है, तो यू हैव टू बी स्ट्रांग एट दैट टाइम, पॉजिटिव सोचना है। तो आप लोगों को एयरलाइंस वाईफाई भी मिलता है, पर वो कॉस्ट करता है, तो मैंने तो नहीं लिया था। और हम टेक ऑफ कर चुके हैं, सो वी आर इन क्लाउड्स राइट नाउ। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आया मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या था, तो साथ में कटलरी दी थी, सैलेड था, राइस के साथ 2 वेजिटेबल्स थी, ब्राउनी थी, एंड देन बन था। उसके बाद बिस्किट और बटर भी था। आप लोग एडिशनली और भी जूस भी ले सकते हो, एप्पल जूस, क्रेनबेरी जूस, कुछ भी ले सकते हो।
नाउ कम्स दी स्नैक टाइम। तो आप लोग सोच नहीं सकते, इन्होंने दो समोसे दिए थे, मैं तो खुश हो गई थी यार। फ्रूट्स भी दिए थे, नमकीन भी दी थी और 5-star चॉकलेट भी दी थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द फूड। समोसे यार एयरप्लेन में मिल रहे तो कोई खुश कैसे नहीं हो सकता। अब मैं पहुँच गई हूँ हीथरो एयरपोर्ट और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। अभी लगेजेस लेने हैं तो लेट्स स्पीड अप, लगेजेस यहाँ पे ले लिए अब। तो एयरपोर्ट से हमने चेकआउट कर लिया है एंड इट वाज रेनिंग, एकदम वाव वेदर था। मतलब दिल्ली से लंदन, दिल्ली में तो बहुत गर्मी थी पर यहाँ पे जो वेदर था बिल्कुल चिल वेदर। तो अब हम लोग अब यहाँ से हमने कैब ली थी क्योंकि हमारा होटल दूर था और सारे लगेजेस प्रॉपर फिट आ गए थे। अराउंड 8 लगेजेस थे तो प्रॉपर कार में फिट आ गए थे। यहाँ पे जितने भी मैंने कार्स देखी थी, टैक्सी कार्स, देवर और लग्जरी कार्स, मतलब एक से एक थी। और अब मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ लंदन का। यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं वॉक करके जाना या फिर साइकिलिंग करके जाना या स्केटबोर्ड। वेदर आप देख ही सकते हो, अमेजिंग लग रहा है। तो लंदन की वाइब अलग ही लग रही थी। यहाँ पे मैंने देखा कि फ्लोर सिस्टम इतना ओवर नहीं है कि ज़्यादा हाइट पे हो। तो आप लोगों ने देखा फ्रॉम दिल्ली टू लंदन और आपने लाउंज भी देखा। तो अब मैं जा रही हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट डे इन लंदन। तो अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ पर हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी यार, साथ में रहना।